हुगली में बैंडल चर्च का इतिहास 400 साल पुराना कहा जाता है कि 400 वर्ष पहले पुर्तगालियों का जहाज जब बंदरगाह में फंस गया था तब मां मदर मैरी ने सौपन देकर पुर्तगालियों को कहा था कि अगर मेरी मूर्ति की स्थापना की जाती है तो आप लोग हर क्षेत्र में खुशहाल रहोगे, हर क्षेत्र में आप लोगों का यश बढ़ेगा। मां मदर मैरी के कहे अनुसार पुर्तगालियों ने उनकी मूर्ति की स्थापना की और तभी से ये हुगली बैंडल का चर्च पूरी दुनिया में चर्चित है। कहा जाता है कि मुगल शासन में जब मुगलों द्वारा इस चर्च को पूरी तरह से खंडित कर दिया गया था लेकिन उस बीच भी मां मदर मैरी की मूर्ति पूरी तरह से सुरक्षित थी। चर्च के फादरों का कहना है कि इस चर्च की देखभाल शुरू से ही हर धर्म के लोग करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं। यहाँ हर धर्म के लोग घूमने के लिए आते हैं, चर्च में आकर अपने मन मुताबिक प्रार्थना कर मनवांछित वरदान प्राप्त करते हैं। मैं हिंदी में तो बहुत कुछ नहीं बोलने सकता तो छोटा से बोलूंगा। जो ये ऐतिहासिक प्लेस है तो इस स्थान में बहुत आदमी आते हैं, विशेष करके ये क्रिसमस के टाइम में अच्छा से हम लोग एक साथ में ये पालन करता है। और वो जो जो यहाँ पर आते हैं माँ मारिया का मध्यस्थता है, बहुत कृपा से ईश्वर का कृपा पाते हैं और बहु आश्चर्य काम भी मानत कर जाते हैं। और ये जो क्रिसमस इस टाइम में हम लोग एक साथ में आध्यात्मिक रूप में अच्छा से तैयार कर लिया है, अभी काल एक दिन बाकी है इसलिए हम सब प्रस्तुति चल रहा है यहाँ पर। और सब लोगों को मैं विश करता हूँ ये बड़े दिन का ग्रीटिंग्स और नव वर्ष के शुभेच्छा। मेरा नाम सरोज मल्लिक, सलेशन मेंबर। जी बैंडल चर्च में हम लोग आते हैं कि अंदर से बहुत अच्छा लगता है, मतलब जीसस कोई भी हो या जीसु हो कि माता जी हो, मतलब अंदर से जो फील आता है इधर भी आता है, मंदिर में जाकर भी होता है, तो इसलिए हम लोग आते हैं और सबको आना चाहिए। एक साथ में सेलिब्रेट करने का मज़ा ही कुछ अलग है, तो सबको ही आना चाहिए। और इधर हम कोरोना के पहले आए थे, अभी आने के बाद पूरा और थोड़ा सा चेंज हो गया, तो ऐसा पूरा महल ही पूरा अलग सा है और आने के बाद तो फिर मेरा नाम नीति सरकार, नहीं नहीं हम उत्तर भारत से आए हैं। अच्छा लगता है और बैंडल चर्च ऐसे सभी कोई आते हैं और यहाँ अगर अच्छा एक अलग सा फील होता है, अलग सा इमोशन रहता है। लग पाँच साल चार साल पाँच साल राज